लेकिन ऐसा भी है, एक प्रेत ऐसा भी मैंने अपने जीवन में देखा जिसको पैसे का लोभ था और वो जीते जी बहुत पढ़ी लिखी एटीट्यूड वाली एक लड़की थी जो किसी के अंदर घुस गई और उसने बहुत पैसा कमाया। जब तक वो उसके अंदर रही तब तक वो औरत गाड़ियों में चलती रही, उसके दो दो चार चार क्या कहते हैं नौकर रहे और हमेशा वो जो है ना ऊंचे लेवल पे रही। जैसे ही वो निकली, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन घर की लड़की थी, अपने पति के साथ कहीं जा रही थी गोवा घूमने, वहाँ उन पर कोल्हापुर घूमने जा रही थी, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से वो उसके अंदर घुस गई। वो भी घूमने जाती थी, घूमने का ज़्यादा शौक था, वो उसके अंदर घुस गई अपने पति को साथ लेके, उसी औरत के अंदर रहने लगी और उसका पति उसके पति में रहने लग गया। आया ना, वही बर्ताव वही सब कुछ, वो अनपढ़ और वो अंग्रेजी बोले तो उसमें बैठ के अंग्रेजी में बात करने लगी डील से। एक दिन बहुत सालों बाद उसकी लड़की एक दिन छुट्टियों में आई, जैसे बच्चे बाहर पढ़ते थे छुट्टियों में आई, उसने देखा मम्मी किसी से डील कर रही है और वो अंदर बैठी, उसने देखा मम्मी तो इंग्लिश में बात कर रही है, इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तब उसने कहा कुछ गड़बड़ है, तब उन्होंने मेरे से इलाज कराया, तब मुझे पता चला। ठीक है, वो इतनी रम चुकी थी कि माचिस जला के गैस खोल के ये कहती है देख मैं अब इसको मार दूंगी, तू बचा नहीं पाएगा। आए ना, इस शरीर को मैं ही चला रही हूँ, ये पैसा माया सब मेरी है और जितना धन जुड़ा हुआ था वो सब चला गया उसके साथ ही, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसी लोभ वाली भी थी। ठीक है, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह क्या है? मोह ये है कि शरीर का मोह है, शरीर को छोड़ना नहीं चाहती किसी भी सूरत में, ये आत्मा मलिन आत्मा शरीर को छोड़ना मलिन आत्मा कैसे होती है कि मन मलिन हो जाता है, इसलिए आत्मा पे आवरण छा जाता है ना भाई। काला बादल सूर्य के सामने आ गया तो सूर्य का तेज चमकेगा तुम्हें? चमकेगा? आंख बंद करते हैं जब अपने तेज को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बादल ही तो हटते हैं, बादल चलते फिरते दिखाई देते हैं कि नहीं? जो ध्यान की प्रक्रियाओं से गुजरे हैं उन्होंने देखे हैं ऐसे बादल। अब इसमें और कालापन, ऐसे ही मर जाते हैं हम, वही बादल लेके कभी तेज को देख ही नहीं पाते, और जब वही बादल लेके मरेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे कोई भी। ये समझो कि सबने प्रेत बनना है, क्यों हम सब वही काले बादल लेके जा रहे हैं, अपने तेज को देख ही नहीं पा रहे, तब हम कौन है? हमारे हमें अपनी पहचान नहीं है, वो वास्तविक तेज है क्या? वो आत्मा का तेज है और वो काले बादल के साथ घने बादलों के साथ आप चले जाते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह, ठीक है, और अब आलस्य लो। आलस्य इतना कूट कूट के भरा है कि सबका तकरीबन लेटे रहने का मन करता है, काम करने का मन करता है ही नहीं। कौन है ऐसे जिनको आलस्य आता है बहुत ज्यादा? देखो कितने लोग हैं, आलस्य ये पैदा करते हैं। आदमी शुरू से ही एक्टिव है, एनर्जेटिक है, क्या है? एक्टिव है, एनर्जेटिक है, उसको दो पैर दिए, हाथ दिए काम करने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, सारे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए।